हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आज मैं आप सबसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ, हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्राउन लीव्स फ्रॉम प्लांट्स। तो देखिए, मेरे प्लांट्स की भी कुछ लीव्स ब्राउन हो गई हैं। इनका क्या रीज़न होता है, किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी बातों पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीज़न्स होते हैं ब्राउन लीव्स होने के। ब्राउन लीव्स होने का पहला रीज़न हो सकता है वेदर, यानी कि अगर आपके वेदर में बहुत ज़्यादा कोल्ड या हॉट हो रहा है तो आपकी लीव्स प्लांट की ब्राउन हो जाएंगी। इस प्रॉब्लम में आप कुछ नहीं कर सकते और आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वेदर सही होगा, आपके प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो वापस से सही हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है इन्फेस्टेशन की। अगर आपके प्लांट के अंदर कोई मिली बग्स या ब्लैक एफिड्स लग गए हैं तो वो आप चेक करें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत जल्द से जल्द उसे सही करने की ज़रूरत है। मिली बग्स के ऊपर मेरी एक वीडियो है, आई बटन में आ रही होगी, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट के ऊपर ना मिली बग्स की प्रॉब्लम है ना वेदर की प्रॉब्लम है तो आप उसकी रूट्स चेक करें। अगर रूट्स ज़्यादा हैं, यानी कि रूट्स आपके प्लांट के बॉटम में से निकल रही हैं, तो आप समझ जाएं कि इसे रूट प्रूनिंग की नीड है या फिर प्लांट को चेंज करने की नीड है। तो रूट प्रूनिंग किस तरह से कर सकते हैं और किस किस टाइम पर रूट प्रूनिंग करनी चाहिए, किस टाइम पर रूट प्रूनिंग आपके प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती, इन सारे एस्पेक्ट्स पर मैं बात करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि मेरे प्लांट के अंदर रूट प्रूनिंग है, करने की ज़रूरत है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट को रूट प्रूनिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी जो रूट्स हैं ये किस तरह से प्लांट के बाहर आ रही हैं। अब इसे रूट प्रूनिंग अगर मैं नहीं करूँगी तो ये धीरे धीरे मर जाएगा, क्योंकि इस पॉट के अंदर अब इतना न्यूट्रिशन उसके लिए बचा ही नहीं है जो वो ले पाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से रूट प्रूनिंग करनी चाहिए। तो आप देखें कितना ज़्यादा रूट बाउंड है मेरा प्लांट, इसी वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो रही हैं। देखिए कितनी सारी रूट्स इसके बॉटम में से निकली हैं, ये देखिए। अब इसके अंदर मिट्टी भी कम पड़ गई है और पूरी जगह इसकी रूट्स ने घेर ली है। तो देखिए इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, पहले आप इसकी सारी जो रूट्स हैं इसे प्रून करेंगे। किस तरह से प्रून करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले तो आप इसकी सारी मिट्टी को इस तरह से निकाल लें। ये देखिए कितना ज़्यादा मेरा प्लांट रूट बाउंड है कि ऊपर भी इसकी रूट्स आ चुकी हैं। देखिए इस तरह के प्लांट्स आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे करके इसकी सारी लीव्स ब्राउन होके निकल जाती हैं। रूट प्रूनिंग करते टाइम आप ध्यान रखें, वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड या हॉट नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे अगर आप रूट प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट मर सकता है, इसलिए वेदर का ध्यान ज़रूर रखें। कोशिश करें कि रेनी सीज़न या फिर स्प्रिंग सीज़न, फरवरी या फिर जुलाई अगस्त के टाइम पर ही आप रूट प्रूनिंग करें। इस टाइम पर अगर रूट प्रूनिंग आप करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप न्यू गार्डनर हैं तब तो आप विंटर या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी में अपने प्लांट्स को नहीं छेड़ें। देखिए किस तरह से ये सारी रूट्स इसकी रिम के आगे पीछे घूमी हुई हैं, ये देखिए। तो देखिए पहले सारी जो मिट्टी है इसे आप इस तरह से छान लें प्लांट के अंदर से। उसके बाद इसकी जो मोटी मोटी इस तरह की जो रूट्स ऊपर ऊपर फैली हुई हैं इसे कट कर लें। और रूट्स कट करने में बिल्कुल भी ना घबराएं, अगर आप सही मौसम में काम कर रहे हैं तो आपके प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से, ये देखिए। और ये जो रूट्स हैं, और ये जो रूट्स हैं मैं फेंकूंगी नहीं, इन रूट्स को प्लांट के बॉटम में रख दूंगी मैं। जब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगी तो इसे एनर्जी मिलेगी। ये देखिए कितनी सारी इसकी रूट्स एक्स्ट्रा हैं। अगर आपको प्लांट को उसी पॉट में लगाना है तो रूट प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रूट प्रूनिंग करने के बाद हम इसकी सॉइल के अंदर अच्छी सी कॉम्पोस्ट मिलाएंगे,
वो कोई भी कंपोस्ट हो सकती है, आपकी होम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप मार्केट से लेकर आएं। अगर आप देखना चाहते हैं मैं अपनी होम कंपोस्ट किस तरह से बनाती हूँ, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से रूट प्रूनिंग कर लेंगे। ये मेरा फाइकस का प्लांट है, तो फाइकस की जो प्लांट है होता है उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, ये देखिए। अब मेरी रूट प्रूनिंग अच्छे से हो चुकी है। देखिए, इसके अंदर दो प्लांट्स लगे हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो इन दो प्लांट्स को अलग भी कर सकती हूँ, पर मुझे अलग नहीं करना, मुझे इन दोनों को साथ में ही लगाना है। तो देखिए, इसकी रूट्स को मैंने अच्छे से प्रून कर लिया है। अगर आप चाहें तो ऊपर की भी ये जो रूट्स आ रही हैं ये प्रून कर सकते हैं, पर मैं नहीं करना चाहती। मुझे फाइकस के अंदर ये जो एरियल रूट्स आती हैं ये बहुत पसंद है। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको पॉट में किस तरह से लगाऊंगी। इसे पॉट में लगाने से पहले मैं इसकी मिट्टी के अंदर ही यही मिट्टी यूज़ करूँगी और इसके अंदर थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाऊँगी, ताकि अब इस प्लांट को थोड़ी एनर्जी मिल पाए। तो देखिए, ये कंपोस्ट है, आप अपने आइडिया से मिला सकते हैं कितनी भी। मैं इसके अंदर 5 मुट्ठी ये कंपोस्ट डाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी लेकर आ सकते हैं, नर्सरी से या फिर जहाँ बीज मिलते हैं ऐसी जगहों पे। तो अब इसके अंदर मैंने अच्छे से कंपोस्ट ऐड कर दिए, अब मैं इसके पॉट को फिल करूँगी। तो देखिए, पॉट के बॉटम में मैंने इसकी जो सारी रूट्स निकली थी वो डाल दी हैं। ये रूट्स धीरे धीरे डीकम्पोज होके इसको फिर से एनर्जी देंगी, इसलिए मैंने ये रूट्स डाली हैं। आप इन रूट्स को कभी फेंके नहीं, अपनी कंपोस्ट में या फिर पॉट के बॉटम में ज़रूर यूज़ करें। अब मैं सारी सॉइल फिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, अब मैं इसके अंदर अच्छे से सॉइल फिलअप कर लूँगी। अब ये प्लांट रेडी हो चुका है, अब इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। अगर मैं इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करती तो ये ख़राब हो जाता मेरा पॉट। तो देखिए, मेरा पॉट अब प्रिपेयर हो चुका है। अब इसकी जो अपडेट होगी ये भी मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। आप भी इस तरह से अपने प्लांट को रूट प्रूनिंग करके और उसे सही करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।